प्लीज वेलकम बैक टू माई चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। आप सब कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। शुरुआत हुई है मेरी किचन से क्योंकि मैं बना रही हूँ पोहा नाश्ते में, और हर्षित ट्यूशन चला गया क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी हो गई। आज क्या मतलब स्कूल बंद ही हो गए कोरोना की वजह से। कल बताया था मैंने, मेरा छौंक जल रहा है, मैं इसमें डालती हूँ तड़का। ये देखिए मैंने आप सोचेंगे ये कढ़ाई इतनी काली क्यों है, तो ये है हमारे पुराने ज़माने की कढ़ाई जो हम नहीं फेंकना चाहते। अच्छी है यार, ये देखिए मस्त मस्त खुशबू आ रही है इसमें से। गाइस ये हमारा पोहा बनके रेडी हो चुका है, लग रहा है ना आपको भी टेस्टी? तो इसे हम खा लेते हैं अब जल्दी से, ठंडा हो जाए इससे पहले। चलो करो रेडी टू ईट। लो जी नाश्ता। हैं और लेना है कुछ? और लेना है कुछ? गाइस हमने बनाई आज दाल रोटी गरम गरम, मस्त वाली दाल है ना, घी का तड़का मार के बहुत टेस्टी लगती है वाली दाल ना अर्षित। दाल पिएगा? गाइस भाभी लाई हैं छोले कुलचे गरम गरम बना के और हम खा रहे हैं अभी। हर्षु को दाल खिला दी, हम छोले कुलचे खा रहे हैं। हर्षु हर्षु का भी खाया है उसने भी, रखे हैं इसके, भूख लगे तो खा लिए। ठीक है जगह बहुत अच्छी हो। मम्मी तो पहले से नहीं है, बहुत टाइम से फोन आ रहा था कि वही चलना मिस्टर। जा रहे हम मार्केट, बट मैं कहाँ जाऊँ? बट ट्यूशन जाएगा तू? मैं नहीं जा रहा। नहीं ट्यूशन जाएगा? मैं नहीं जा। तो मैं क्या करूँ फिर? चलो हैं मुझे ले चलो। ए फिर रात को फिर लेने जाओ उसे, ये तो दिक्कत। तू क्या रुक जाएगा है? नहीं रुक जाएगा ना, रोने वाला है ये। अब रोने वाला है? रोने वाला है। अरे नहीं कल तो पारी भी नहीं पड़ी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कृपया कल की छुट्टी दे दे, मेरा अवकाश पत्र चल ठीक है। पता नहीं कल भाभी की शॉपिंग हुई थी, दोनों भाभी की चीनी वीनी, आज वही जा रही हूँ शॉपिंग करने। मैं साथ जा रही हूँ बस, मैं भी साथ ही जा रही हूँ। मुझे मैं बस आके दिखाऊंगी क्या लेके आए। नहीं कुछ लाने नहीं, कल की मैं कुछ कहाँ लाई हूँ, बस एक कार्डिकल ले गई। चलो चलो भाई नहीं हवा चल रही है तुम्हें पता नहीं कैसे नहीं लग रही थी हमें तो लग रही बहुत तेज हवा है आज। हाँ उसी की ठंड है। अब रिक्शे में भी लगेगी देख लेना, मैं तुम्हारे कहने से स्टॉल नहीं लेके आई। नहीं मैंने तो पहना हुआ है, इन्हें डाला नहीं, कान पे लगा यार ठंडे रिक्शे में। ये रिक्शे में ये रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है ना। ये रिक्शा मिल जाए पीछे बैठना पड़ेगा। ये रिक्शा ढूंढते हैं, कल का दिन तो हमारे तो शॉपिंग तो हो ही गई फिर भी। हाँ ये चल भैया। वो कोई ना साइड से निकल भी जाएगा हमें पता भी ना चलेगी। हाँ गाइस हमें फाइनली ई रिक्शा मिल गई है वेटिंग के बाद। कोई राजू आए भैया उधर जाने के लिए। छोटी सी किसी नहीं होती।
गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है। आज हुई है नहीं हुई हमारी शॉपिंग? नहीं हुई हमारी आज नहीं हो भी गई है नहीं भी हुई है। वैसे साड़ी मैंने नहीं पसंद आई, दो दो साड़ी लिया इन्होंने और कह रही मुझे पसंद नहीं आई, देख लो सच झूठ बोलती है। हम शॉप पर कुछ हमें एंटीक चीज पसंद आ जाए भैया की शॉप पर। ये आ जाएंगे मेरे कानों में। गाइस हम सारे टिक्की और गोल गप्पे फिलहाल ले रहे हैं भैया, टिक्की वाला गोल गप्पे वाला इससे इम्पोर्टेंट है। अभी गोल गप्पे टिक्की खाते हैं। अब क्या पसंद आ गया? अब क्या पसंद आ गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक आते भैया ये फुल साइज के होते हैं ना पैर नहीं ये वाले ही। दिखाओ क्या साइज है। ना ही वही है ना फुल नहीं है ये तो फुल साइज नहीं है ये दुकान से मेरे पास है वही है ना। चलो खाते हैं भैया। आप क्या टिक्की जी इतने गोल गप्पे खा ले इसे गोल गप्पे खिला दो। टिक्की बनने में देर लगेगी भैया? गोल गोल उसके वो साइकिल में बाहर भी खड़ा था। मंडी लग रही है भैया ने पजामा दे दिया। पजामा दिया था उसने किसने आप कुछ ला सकता दिया हो या ना दिया हो आ गया मामला हमें डेढ़ सौ रुपये दे दिए तुमने बस तुम्हें ठीक है देता हूँ। शॉपिंग तो हम बहुत सारी करके आए हैं। देखिए हमारे पास बैग हैं इतने बड़े बड़े भी ले आए बनाने के लिए अपने जुगाड़ भी आए सब्जी जी का भी आए सारा तू हटेगा किसे तेरे नाच दिखाने के लिए थोड़ा करा मैंने ये परी दीदी कृष्णा ये कृष्णा कुलचा खाते हुए छोले मटर कुलचा खाते हुए तो ये सुबह तो कैसा मैं रुकूंगा यहाँ पे हंस रहा है बंद करना यार हम डालेंगे रीड कर देंगे वाला यही हो ये कम वाला ही है। हाँ वो देखो तेरा ज्यादा वाला चक्कू भी उधर चक्कू ले का है काम करा कर थोड़ा सा चक्कू हाँ। अच्छा नहीं है मथुआ बहुत अच्छा यार डंठली डंठली अच्छा है हम ऊपर जा रही हैं। मैं बथुआ ले आई थी चलो थोड़ा सा तो निकाल लूँ काम अपना घर जाके साफ नहीं करना पड़ेगा मुझे काम हल्का कर ले आने का कुछ फायदा कर लें चार चार जीने चढ़ने का कुछ तो निकालें फायदा है ना। चीना और पापा जी सो रहे हैं पापा जी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हैं कहाँ कोने में घुसे रहे सो गए अभी ना तो जाग अभी से अभिषेक कहाँ से आ गया यहाँ पे अभिषेक कहाँ से आ गया यही बैठा अभिषेक कब आया अभिषेक ना ये हर्षित अभिषेक तो बहादुरगढ़ है ना कह रहे अभी अभिषेक तो यहीं बैठा मैं कहा अभिषेक तो बहादुरगढ़ है गाइस बने हैं मटर के चावल बने हैं और हम खा रहे हैं फिर खा के घर चले जाएंगे। कौन हर्षित नहीं जा रहा जाऊंगा
ये तो कुछ भी नहीं, सुबह 5 बजे खेलने चले जा रहे, इसलिए वो सो गई पानी में। चलो भाई बाय बाय, 5:30 बजे बाय 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 बाय। चलो भाई चलो 10 बजे। मुझे गर्मी लगे खड़ी। चलो भाई चलो भाई बाय बाय बाय। तू तो जा रहा है साथ में। चलो तू तो रुक रहा था वो इंसान सुबह तभी तो नहीं रुक रहा। इतना बड़ा हो गया गाइस, हम अपने घर आ गए। भाई छोड़ गया था बाहर गली तक और आ गए। रात के बज रहे हैं 10। हाँ गाना जी का बर्थडे नहीं मन रहा है तो भाई सब बेचारे उदास हो रहे हैं हमारे, लेकिन हम कर क्या सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। चश्मा लगा भाई सबका मन बहुत उदास है। जनता सही कह रही है कि भाई चाय पे मुझे रोटी कोई नहीं खाता। हाँ जी हाँ जी, इससे बढ़िया कचौड़ी या समोसा नाश्ता हो जाए। चाय नाश्ता हो जाएगा ना। मेरा मन है कि रात को अपने घर के जो है वो तो एक टाइम आलू पूरी खा लें। अरे जब रात को 8 बजे के बाद आने नहीं देंगे तो कहाँ से आलू पूरी खिला दोगे? अरे हम चार भाई को हम चार खा लेंगे, दुकाने वाले रोड बंद नहीं हो रहे, हम चार भाई तो खा सकते हैं। चलो हम ना खाएंगे, चार भाई खाएंगे बैठ के। हम नहीं जल्दी जाना, अब जाएगा जाए इन्हें खिलाने वाले ना। 8 बजे सबसे ज्यादा टटर यही करेंगे जाने में रजाई में घुसने के बाद। ये देखो देख लो भाई भगवान जाएगा। अब देख लो अभी यहाँ पैक करा के लाई मनोज यहाँ से खाना। मैं कह रही हूँ ऐसे करेंगे, रजाई में लेटने के बाद फिर नहीं जाएंगे। बैको का जाएगी नहीं, नहीं कीर्तन में नहीं बैठोगे, भंडारा खाने नहीं जाओगे तो क्या चक्कर? मतलब कचौड़ी का ठंडा पिलवा रहे हो है ना? मैं तो या फिर कचौड़ी बना लो फिर फिर कचौड़ी पटक के लाइन भाई से वही सही है, चाय नाश्ता और कचौड़ी सही है बस। अगर सुमित जी आएंगे तो क्या रात तक 10 बजे तक नहीं बैठेंगे? तो सुमित जी को खिला देना आप, क्या चिंता और क्या। सुमित जी खाना नहीं बनाओगे आप? सुमित जी फिर बुला लेना दोबारा कि सुमित जी खाना यहीं खा लो बस छुट्टी है ना और क्या। तो कितनी अचोरी बोल के आई है इसको? अरे 80-100। तो गाइस भाई साहब और दीदी चले गए हैं, लेकिन बस यही हो रहा है कि ना कान्हा जी का बर्थडे कैसे मनाएं, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे 1 जनवरी को मनाते हैं। उसी दिन अपने कान्हा जी लेके आए थे, घर में स्थापित करे थे उन्होंने और उनकी सेवा भी करते हैं वो। उन्हें 15 साल हो गए गाइस, हर साल न्यू ईयर पर बर्थडे मनाते हैं उनका और सेवा भी करते हैं उनकी डेली। तो गाइस हर साल मतलब अच्छे से ही मनाते हैं, और पिछले साल तो ना उन्होंने हलवाई बैठा के करा था कान्हा जी का बर्थडे 100-150 बंदे हो गए थे। अब की भी वही प्लान था, हलवाई भी बुक कर दिया था, बट कल ही कोरोना की न्यू गाइडलाइन आ गई है कि कोरोना और ओमिक्रोन दोनों बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से अब उनका मन उदास हो रहा है कि वो बर्थडे मनाएं तो मनाएं कैसे। होता ही है ना, जैसे हम भी अपने बच्चे का बर्थडे का पूरे साल इंतजार करते हैं और नहीं मन पाए तो थोड़ा सा दुख होता है अपने बर्थडे का भी तो। हाँ तो पर जब भगवान जी के बर्थडे में एक्साइटमेंट होती है वो नहीं होती। हाँ हलवाई वगैरह सब बुक कर दिया था और मतलब सामान ही नहीं लाए थे, सामान एक दिन पहले लाते थैंक्स गॉड सामान लाए,
और फोन भी नहीं करे किसी को, रिश्तेदारों को मतलब अपने लड़कियों को और जो भी रिलेटिव्स में 100-150 बंदा तो हो जाता। तो उनका मन बहुत उदास हो रहा है कि बर्थडे मने तो मने कैसे खाना चाहिए। कोई नहीं, अब उनकी मर्जी है जैसे मनाए, क्योंकि गाइडलाइन आ गई है, कोई धार्मिक हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं क्योंकि शादी वगैरह में कुल बंदे 20 ही कर दिए हैं, मंदिर भी नहीं खुले, मंदिर खुले हैं दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से बस थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं भाई सब कि कैसे करें। हम घर घर के ही मनाएंगे अब, घर बस चारों भाई की फैमिली बस यही लोग मनाएंगे और कोई नहीं आएगा बाहर का, भाई हम बुला नहीं रहे, सबकी सेफ्टी सही है ना। और प्लस फिर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा फिर, इसलिए तब ऊपर से ऑर्डर हैं तो हैं ना, उसको फॉलो भी करना चाहिए हमें, हमारी सेफ्टी है उसमें। तो इसलिए गाइस बस यही लग रहा है, खाना जगह बर्थडे मनेगा तो मनेगा कैसे, ये घर घर में मनेगा बस थोड़ा सा ऐसे एक डेढ़ घंटा हम कीर्तन कर लेंगे, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ जाएंगे, 10-15 जने तो हैं ही हम घर घर के बस। और गाइज भाभी की शॉपिंग हो गई है, वो कल चली जाएंगी भादरगढ़, उनको भी डर लग रहा है ना क्योंकि आगे कहीं और ज़्यादा लॉकडाउन लग जाए और वो यहाँ पर फंस जाएं। फाइनली उनकी शॉपिंग हो गई है, वैसे जो रहती है फिर वो बाद में कर लेंगे, वैसे हो गई है फाइनली शॉपिंग उनकी। तो गाइज बजे हैं रात के 12:30 बज गए हैं, अर्शो 12:30 बज गए तो बजे हैं गाइज रात के 12:30। और हाँ अब हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज प्लीज़। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।